भारत माता की जय। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो हमें हमारा रिजल्ट दो। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो हमें हमारा रिजल्ट दो। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो हमें हमारा रिजल्ट दो। मारो यार, आउट करो रिजल्ट हमारा, आउट करो पैसे बैठ आउट करो रिजल्ट हमारा, आउट करो। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आउट करो, आउट करो, आउट करो रिजल्ट हमारा, आउट करो। 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 जी क्या कहना चाहेंगे मैम? आज की जो एक गैदरिंग है, अभी तक सबको क्लियर हो चुका होगा ये JKPSI और JEE सिविल का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द रिजल्ट ऑफ JKPSI और JEE सिविल, उसके अगेंस्ट है। 2 साल से रिक्रूटमेंट शुरू हुई पड़ी है, अभी तक खत्म तो होना दूर की बात, JKPSI का फेज 1 भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। JKPSI एक सिंगल स्टेज एग्जाम नहीं है, इसमें पहले सिलेबस को मास्टर करना है और उसके बाद फिजिकल फिटनेस को मास्टर करना है। कंटिन्यूसली बच्चे स्ट्रेन में हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट में 20 दिन का वक्त दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को, उस 20 दिन के अभी 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आई है। कमेटी के मैंडेट में कहीं पे भी JKPSI और JEE सिविल का जिक्र नहीं है, तो इसलिए जिस कमेटी के बेस पे CS सर को डिसीजन लेना है वो JKPSI और JEE सिविल का रिजल्ट विदहोल्ड नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज ऐड करने वाली ये है कि जो जजमेंट है उसमें क्लियरली सरकार ने डिफेंड किया है और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड जो JKPSI और JEE सिविल के एग्जाम के कंडक्ट में यूज किया गया था उसको 7 स्टेप्स में डिफेंड किया गया है। कोर्ट में अगेन सरकार झूठ नहीं बोल सकती, उन्होंने अच्छे तरीके से इसको डिफेंड किया है, हम सारे एस्पिरेंट उसके गवाह भी हैं, सिक्योरिटी अपरेटस काफी अच्छा था, लेकिन जो ये अनड्यू डिले हो रहा है रिजल्ट में वो कहीं ना कहीं बच्चों की एंग्जाइटी बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द इस स्टेट में जहाँ पे अनएम्प्लॉयबिलिटी इस वक्त 18.3% से ऊपर जा रही है, वहाँ पे बच्चों को इस टेंशन से निजात देते हुए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए ताकि बच्चे आगे फिजिकल की तैयारी कर सके और अपने फ्यूचर एंडेवियर्स को इतनी देरी क्यों कर रहे हैं रिजल्ट? सर ये तो पॉलिटिकल विल की भी कमी हो सकती है या पॉलिटिकल टाइमिंग का भी इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दोनों केस में डिस एस्पिरेंट ही रहा है। ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस यू बोले या इनएफिशिएंसी बोले, लेथार्जिक एटीट्यूड भी है। पहले कोर्ट केस का डिले था और अब उस रिपोर्ट का डिले जो कि 20 दिन में आ जानी चाहिए थी। जी सर। जी सतवी जी, किस नजरिए से देखते हैं अब तक जो है बच्चों को इंसाफ नहीं मिला? ये मेरे भाई ने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया, अब इसके बाद मुझे लगता है बोलना काफी नहीं होगा। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, बस ये लास्ट में उन्होंने बात कही ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूर हो सकती होड़ है, उस पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन बच्चों को पीसा जा रहा है, इनको बर्बाद किया जा रहा है, इनका रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा। बस यही चाहते हो सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि ठीक है अब आप इन बच्चों का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द आउट कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने भी आपके फेवर में ही फैसला दिया, आपके पाले में गेंद है, तो आप क्यों नहीं इन बच्चों का रिजल्ट आउट कर रहे? अगर आपको कोई डर है, कोई शक है, शंका है, तो ठीक है जैसे हम बोल रहे हैं ओपनली, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बता दीजिए इन बच्चों को कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह आप इनका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इनको ओवरेज क्यों कर रहे हो? जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जी, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन इनसे पूछा कि सरकार इतना डिले कर क्यों रही है, इसका बेसिक आंसर है इनका लेथार्जिक बिहेवियर और कुछ नहीं है। मैं आपको इसकी सीधी सी बात बताता हूँ, कल है 31 अक्टूबर, 4 साल हो गए यूटी को पूरे बने हुए। मैं आप ही के माध्यम से आज हर एक जो स्टेक होल्डर है ना स्टेट का, बेशक वो सेंटर में बैठा है, बेशक यूटी में बैठा हुआ है, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 4 साल में JKSSB ने एक बता दो मेरे को ग्रेजुएट लेवल की रिक्रूटमेंट, मेगा रिक्रूटमेंट में बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कंप्लीट की हो? आंसर इनके पास कोई नहीं होगा। आज आके ना ये आपको आंकड़ा दे देंगे 30,000-35,000, जब आप उस आंकड़े के अंदर जाओगे ना आपको पता चलेगा, ये बोलेंगे हमने स्टार्टअप कर दिया, हम लोगों को लोन बांट रहे हैं। अरे लोन बांटना है तो वो तो चलिए ना सर, अब बात तो देखो ना, बात हमेशा क्वांटिटी की नहीं होती, क्वालिटी की भी होती है। ये बोलते हैं हमने लोन बांट दिया, लोन बांट के मैं ऑटो खरीद लेता हूँ, ऑटो चलाता हूँ ना, वो भी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। बात उसकी नहीं है, बात होती है एक तो फेयर
रिक्रूटमेंट ठीक है वो हो गई, एक टाइमली रिक्रूटमेंट भी होती है। चार साल हो गया आपसे एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है कोई भी ग्रेजुएट लेवल की। दौड़ दौड़ के हमारे जो है नीस वो खत्म हो चुकी है, डोगरी में कहते हैं ग्रीसा खत्म हुई है साढ़ी गोडी है ठीक है, जैसे दिमाग खत्म हुई है कहीं पे भी, मतलब कि हम किसी और एग्जाम के लिए हम कर ही नहीं पा रहे हैं। जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दो फेज की रिक्रूटमेंट है, सिंगल फेज नहीं है। पहले तो हमने पढ़ाई की, दो बारी मेहनत कर दी, उसके बाद अब हमें दौड़ना भी पड़ रहा है। जब हम दौड़ रहे हैं तो उस चक्कर में सर हम बाकी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी कितने आगे जी बोल रहे हैं कि इतनी पाइपलाइन में ये रिक्रूटमेंट है जी, ये रिक्रूटमेंट है, क्या करेंगे हम उस रिक्रूटमेंट का, पहले ये तो कंप्लीट कर लो। अब बोलेंगे अगले साल भाई इतनी आ जाएंगी, उससे अगले साल इतनी आ जाएंगी, जब यही कंप्लीट नहीं हो रही है तो हमें कैसे होगा कि अगर हम अगली के लिए पढ़ेंगे तो उसमें कर देंगे ये कंप्लीट। बात तो यही है कि ये सिर्फ लेथार्जिक बिहेवियर है और कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट सोई हुई है, बस ये दिखा देते हैं हमने इतने रिक्रूटमेंट 30,000 कर दिए, 40,000 कर दिए, कुछ नहीं हुआ।